This call is now being recorded. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, मेन लाइब्रेरी और एसटीएचटी आरसी सेंटर, एसटी कॉलेज अंबाला, एमपीएन कॉलेज मुलाना और जनता कॉलेज कॉल, आरकेएसटी कॉलेज कैथल, इन सभी कॉलेजेस, बाकी अन्य सभी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस अकादमिक कर्म में, उन सब की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। हमारी आज की मुख्य वक्ता सुश्री विरोनिका पीर जी, जो कि डायरेक्टर हैं कोर शारदा टीम पुणे से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे विषय में हमें कोई अधिक देर करने की आवश्यकता नहीं है और हम सभी लोग उत्सुक हैं इस शारदा लिपि के विषय में जानने को, सुनने को और अपने ज्ञान को अग्रसर करने में। ये विषय इसलिए रुचिकर ज्यादा है और हमारे लिए ये एक मुझे लगता है कि हमारा ये उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि ये एक लिपि के रूप में, शारदा लिपि के रूप में, इससे हमारा कोई विशेष परिचय नहीं है, विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के इधर की ओर के क्षेत्रों में, और संभवतः शायद राजस्थान और दिल्ली तक भी इस विषय में ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। और इस बात की प्रासंगिकता और भी अधिक हो जाती है कि न केवल प्राचीनता के कारण कि शारदा लिपि को हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए भी कि इसमें जो ज्ञान का भंडार रहा है और जिस तरह से ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, वो भी हमारे लिए एक उत्तरदायित्व का विषय बन जाता है कि हम उस लिपि को समझें। अब जब शारदा लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था तो दो बातें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक और शारदा जो सरस्वती के रूप में हमारे सामने, हमारी परंपरा में विद्यमान रहती है, उनका एक पुराना चित्र आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हल्के पीत वर्ण में सितार के साथ आदि आदि इन सब लोगों के साथ। ये एक पुराना चित्र है शारदा के रूप में और उससे आप सभी लोग परिचित हैं। और शारदा का संबंध, जिसे आप कहते हैं गॉडेस ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड स्पीच, अब इसी ज्ञान को, इसी सरस्वती को आपने लिपि में किस तरह से उतारा, ये जानने की हमारी एक विशेष उत्सुकता है। और जब पहली बार मैंने इस शारदा लिपि के अक्षरों को देखा तो मुझे पहला प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा कि जैसे ये पंजाबी के बहुत समीप है। पंजाबी का आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शारदा लिपि में लिखा गया ओंकार और पंजाबी में लिखे जाने वाला जो ओंकार है वो नितांत समान है। वहां पर उड़ा जिस तरह से लिखा जाता है और जिस तरह से ओंकार लिखा जाता है वो एक ही है। तो इस दृष्टि से मुझे ये और भी रुचिकर लगा कि क्या जो पंजाबी की गुरुमुखी स्क्रिप्ट है उसके संबंध कहीं प्राचीन रूप में शारदा के साथ रहे, क्योंकि शारदा जो है वो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में है, जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता जो है वो हमें आज परिचित कराएंगे इसके उद्भव से, इसके विकास से और इसके निर्माण की प्रक्रिया से। तो वो जानने में एक विशेष उत्सुकता आज की है। और साथ ही साथ मेरे दो प्रश्न जो हमेशा मुझे उत्सुक करते रहे हैं इस विषय में, वो उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे, वो अभी हालांकि मुख्य विषय नहीं है लेकिन आप सबके लिए वो रुचिकर रहेंगे, कि आप जब इस आकृतियों को देखते हैं, अक्षरों की आकृतियों को देखते हैं, तो ये आकृतियां किस तरह से इनको प्रमाणिक बनाया गया होगा? प्रमाणिक का मतलब है कि सामाजिक रूप से इनको स्वीकृति कैसे प्रदान की गई और इसके पीछे क्या दर्शन या क्या मनोविज्ञान रहा होगा कि एक समाज ने, एक देश विशेष में इसको स्वीकार किया गया। तो इसके पीछे का सामाजिक मनोविज्ञान, आकृतियों के पीछे जितने भी अक्षर हैं शारदा लिपि के, वो क्या रहा होगा, ये एक विशेष प्रश्न है जो हम बाद में लेंगे। और दूसरा जो प्रश्न जो हमेशा मुझे उत्सुक करता रहा है इन विषयों में, वो ये रहा है कि ये जो आकृतियां हैं और इनको, इनके साथ जिन ध्वनियों को हमने जोड़ा है, उच्चारण की जिन ध्वनियों को हमने जोड़ा है, उसके पीछे मानसिकता, उसके पीछे का मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, वो क्या रहा होगा? तो दो प्रश्न बड़े विशेष हैं।
पहला कि आकृतियों के पीछे सामाजिक मनोविज्ञान क्या रहा जिसको समाज ने स्वीकृति प्रदान की और आज तक हम उसको उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करते आ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न निश्चित रूप से कि इन आकृतियों का इनकी ध्वनियों के साथ संबंध कैसे बनता है। तो ये दो प्रश्न हैं जिनको हम बाद में लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा विषय है वो है शारदा लिपि, जो कि कश्मीरी पंडितों में कश्मीर की एक मुख्य धारा की भाषा भी रही है, कोडिंग की भाषा रही है, कूट की भाषा रही है। उसको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, वो उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और किस तरह से उसके प्रयास चल रहे हैं, उस सारे विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज सुश्री वेरोनिका पीर जी जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं एक दो बातें और आपके साथ साझा कर लूं। ये पुराने एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको भूमिका के रूप में बड़ा एक आसानी हो जाएगी इस सारे विषय को देखने सुनने और समझने में, और कई एक प्रश्न भी आप में जागृत होंगे क्योंकि एक तरह से इसमें कैलिग्राफिक आर्ट जो है वो भी अप्रिशिएट करने वाला है कि किस तरह से अक्षरों को लिखा जा रहा है और किस तरह से उसको सुंदर बनाया जा रहा है और किस तरह से उसमें चित्रकारी को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी आप लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है कि शारदा पीठ के ये अवशेष अब हमारे पास रहे हैं, लगता तो यही है कि आने वाले भविष्य में हिंदुओं के अवशेष ही शेष रह जाएंगे, क्योंकि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं और उसमें हम अपने प्रति सावधान नहीं हैं, ज्यादा सेकुलर होने के चक्कर में हम लोगों ने जिस तरह से अपने साथ जो बर्ताव किया है, व्यवहार किया है स्वनिंदा का, उस हिसाब से तो ये अवशेष हमें स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होने जा रहा है। तो इसलिए ये इस सारे वेबिनार को आप इस दृष्टि से भी देखें कि आप इसके पुनरुद्धार की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं और क्या आप उसमें अपेक्षित सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरे चित्र में जो आप शारदा का चित्र देख रहे हैं, वहां पे पत्थर पे उकेरी गई मूर्ति है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में मिस वेरोनिका पीर जी, जो कि डायरेक्टर हैं कोर शारदा टीम पुणे महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, वो हमें सारे विषय से अवगत कराएंगी। और उसके बाद हमारा कार्यक्रम रहेगा ओपन हाउस डिस्कशन का, चर्चाओं का, प्रश्नों का, क्योंकि उसमें हमारे साथ डॉक्टर आनंद गुरिये महाराष्ट्र से, प्रोफेसर अविनाश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से, जो कि प्रोफेसर हैं बुद्धिस्ट स्टडीज के, और उसके बाद और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद चर्चा रहेगी, प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स रहेंगे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी के, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और लास्ट में कंक्लूडिंग वोट ऑफ थैंक्स जो है डॉक्टर सी के झा, जो कि कन्वीनर और हेड है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एमपीएन कॉलेज मुलाना, वो आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ सीधे विषय को आप लोगों के साथ परिचित कराने के लिए मैडम वेरोनिका जी को, स्वागत सहित, अभिनंदन सहित, और आपके प्रति हम आभारी हैं कि आप लोगों ने जो दायित्व लिया है उसमें आज उससे आप हम लोगों को परिचित कराएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमसे जो बन पड़ेगा हम उसमें सहयोग अवश्य करेंगे। कम से कम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल से हमारे साथ डॉक्टर विवेक शर्मा जी जुड़े हैं शिमला से, वो भी संस्कृत के अध्यापक हैं और बहुत विशेष रुचि उनकी रहती है इस तरह के विषयों में। तो आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे अवसर देने के लिए कि हम शारदा लिपि के बारे में चर्चा कर सकें और बता सकें कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे हम सब परिचित हो सकें आप सब लोग। तो मैं कोर शारदा टीम से, ये कोर शारदा टीम बेसिकली हम लोग शारदा लिपि पे काम कर रहे हैं पिछले 8-9 वर्षों से। तो इसमें बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ऐसे हमने हमारे गोल्स रहे थे जो कुछ हम पूरे कर पाए हैं, कुछ अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी बहुत जल्द हम उन सबको भी पूरा कर पाए। सो अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सो दैट आई कैन प्रेजेंट।
तो जैसा मैंने बताया कि हम पिछले 8-9 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं. आई ट्राई टू कीप द मीडियम ऑफ द प्रेजेंटेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. तो इस कार्य को करने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शारदा लिपि सिखा सकें. और भी देर आर वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दैट वी आर वर्किंग ऑन, जिसमें कि सबसे मेजर जो काम है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे किया जा रहा है. शारदा मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं. सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि शारदा लिपि क्या है. सो शारदा लिपि विच इज अनदर नेम फॉर माँ सरस्वती, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं. सो दिस इज वेयर द नेम फॉर द लिपि इज डिराइव्ड, शारदा. तो शारदा माँ जो हु इज द बेस्टोवर ऑफ नॉलेज एंड जो स्क्रिप्ट है इट इज इक्वली डिवाइन. और इसमें पूरा सागर है, एक नॉलेज का, ज्ञान का सागर बसता है इसमें, दैट द स्क्रिप्ट कैरीज विद इन इट सेल्फ. एंड दैट इज वाई आर गोल इज टू रिवाइव इट. रिवाइव मतलब सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मतलब सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलिट्रेट करके या सिर्फ कुछ चंद लोगों को सिखा के, दैट इज नॉट द गोल. वो रिवाइवल, हम वैसा रिवाइवल नहीं चाहते. हमारा बेसिकली रिवाइवल है कि इसका यूज, प्रैक्टिकल यूज हो शारदा लिपि का. शारदा लिपि हर जगह एक्सेप्ट की जाए, जो कि अभी है नहीं हो रहा है. जैसे कि आप अगर गुजरात में चले जाएं तो आप साइन बोर्ड्स देखेंगे गुजराती में लिखे जाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाएं तो मराठी में साइन बोर्ड्स देखे जाते हैं, साउथ ऑफ इंडिया में चले जाएं तो सारे साइन बोर्ड्स या जो भी हैं आप उनकी वहाँ की लोकल जो स्क्रिप्ट है उसमें देखेंगे. बट शारदा लिपि आप वैसे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएं तो कहीं पे भी आपको शारदा में लिखा हुआ कोई साइन बोर्ड नहीं मिलेगा. कहीं कोई देयर इज नो साइन ऑफ शारदा लिपि एज सच. तो वो हमारा गोल है कि शारदा लिपि को प्रैक्टिकल यूज में लाया जाए, सो इट बिकम्स द स्क्रिप्ट ऑफ द स्टेट जैसा कि पहले था. तो ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर रही है, जिसको मेजरली इट वॉज यूज टू राइट संस्कृत एंड द लोकल लैंग्वेज कश्मीरी एज वेल. बट हमने जितना द मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट वी हैव फाउंड, सो 98% ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आई वुड से आर रिटन इन संस्कृत. एंड देर आर फ्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन जो कि कश्मीरी भाषा में भी लिखे गए हैं, बट मेजर वर्क वॉज डन इन संस्कृत भाषा. सो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, जैसा कि अभी आशुतोष जी बता रहे थे, इनफैक्ट जो पूरा नदर्न बेल्ट है, गांधार, गिलगिट, पंजाब, लद्दाख, इन सभी एरियाज में द नेटिव स्क्रिप्ट जो थी वो शारदा लिपि ही थी. और इसका जैसे कार्बन डेटिंग जो कहती है उसके हिसाब से शारदा लिपि एग्जिस्ट करती है 3rd century से. सो जो बक्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि एक मैथमेटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें जो 0 रिकॉर्ड किया गया था वो 0 भी शारदा लिपि में ही रिकॉर्ड किया गया था. सो तो इसके लुकिंग एट ऑल दिस, दिस इज व्हाई वी नीड टू सी कि कितनी नॉलेज इस स्क्रिप्ट में है, कितना कुछ है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं, और कितना कुछ इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में छुपा हुआ है, जिसमें से कुछ परसेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे हमारी टीम काम कर रही है. एंड बहुत ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनका विच आर स्टिल अंडर रैप्स और हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, और उनमें जो खजाना, जो नॉलेज का, जो ज्ञान का भंडार है वो अभी तक हम सबके पास है ही नहीं. वी आर अनअवेयर ऑफ द नॉलेज दैट इट हाइड्स विद इन इटसेल्फ. सो ये जो शारदा स्क्रिप्ट है ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक स्क्रिप्ट है, और इसका बहुत स्कॉलर्स ने अपने मतलब दे हैव मेंशन्ड इन देयर वर्क कि शारदा लिपि का कितना इम्पोर्टेंस और कितना क्लोज कनेक्शन है इफ़ वी टॉक अबाउट कश्मीर शैव दर्शन, या जिसको हम कश्मीर शैविज्म भी कहते हैं, तो उससे बहुत क्लोज कनेक्शन है शारदा लिपि का. तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने जो टेक्स्ट सौंदर्य लहरी है उसमें शारदा लिपि का वर्णन किया है, उसमें स्पेशली द लेटर ई दैट ही टॉक्स अबाउट. अगर आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये शारदा का अक्षर ई है, ई द जो दीर्घ स्वर है, तो उसका वो वर्णन करते हैं कि ये जो अक्षर है पूर्णतः
मतलब बिगिन होता है, इट बिगिंस विद द मुख ऑफ भगवती एंड जो पूरा उनका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी है ऐसे वो उसको मेंशन करते हैं, ये पूर्ण रूप है देवी का. सो ये दिस इज व्हाई दिस स्क्रिप्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, कि कब से चली आ रही है, कब से स्कॉलर्स इस लिपि के बारे में बात कर रहे हैं, इस लिपि का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं. तो जैसा कि अभी आशुतोष जी ने भी बताया कि जैसे गुरुमुखी, ताकरी, सिद्धम, दे आर ऑल डॉटर स्क्रिप्ट्स ऑफ शारदा. सो इन सब का उत्पन्न जो हुआ है वो शारदा लिपि से ही हुआ है. इनफैक्ट तो इन सभी लिपियों का उत्पन्न भी शारदा लिपि से ही हुआ है. इसीलिए आप देखेंगे कि गुरुमुखी भी बहुत ज्यादा सिमिलर है. जैसे आप ओम देख रहे थे, ओम द बोथ ओम्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. वो रीजन यही है क्योंकि मदर स्क्रिप्ट इज शारदा लिपि. तो उसके अलावा जो भी द ऑल स्कॉलर्स, अभिनव गुप्त, उत्पल देव, माता ललेश्वरी, ये इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कश्मीर का रहा है, ललवाक, जो माता ललेश्वरी द्वारा लिखा गया था, तो वो डॉक्यूमेंट भी हमें शारदा लिपि में मिला है. और हमारी टीम उसके ऊपर पिछले कई वर्षों से हमने उस पर काम किया, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है. एंड बेसिकली दैट डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑन माता ललेश्वरी वर्क, बिकॉज यू विल फाइंड मेनी ललवाक्स इन अदर स्क्रिप्ट विच हैड बीन डॉक्टर्ड लेटर ऑन, बट दिस वन बींग इन शारदा लिपि इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक वन, और जिसपे हमने बहुत काम किया है. उसका पूरा ट्रांसलिट्रेशन वर्क हमारी टीम ने किया है. तो दैट इज वाई शारदा लिपि इज द key to unlock the glorious past of Kashmir, which we are still unaware. All important texts that originated from Kashmir, Natya Shastra, Panini, Grammar, Raj Tarangini, all have the potential to unveil so much about the facts, the history. As we all know that Kashmir has been the fountainhead of knowledge, from where this knowledge has been flowing into the entire Bharatvarsh. So as you know that in Nilmat Puran also, when Rishi Kashyap received the boon to build this beautiful place, he had wished the Kashmir to be the prototype of the entire Bharatvarsh. So that is when he was granted the wishes, and sare Bharat ki jhalak, sare Bharat ke traditions, culture ki jhalak aapko कश्मीर में मिलती है. तो इसीलिए ये और बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी हिस्ट्री और हेरिटेज को प्रिजर्व करें. सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं, उसको आगे बढ़ाएं, उस पर आगे काम करें, जो कि हम एज अ यू नो हमारा दायित्व बनता है कि हम ये काम सब मिलके करें. जो जैसे हमने शुरू किया तो था, 20 लोगों ने हमने ये मिलके ये कार्य करना शुरू किया था. आज हमारे साथ लगभग 500 स्कॉलर्स, जिसमें कि कुछ संस्कृत स्कॉलर्स हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो अब जुड़ चुके हैं. सो दैट इज व्हाट आई मीन, कि एक छोटे से प्रयास से हमने ये छोटा सा प्रयास तो शुरू किया, लेकिन आगे साथ साथ में हमारी लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग अस इन दिस जर्नी. और यही हमारा आगे भी गोल है कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े. एंड वी डोंट सी दिस, वी डोंट सी एनी रीजन कि शारदा लिपि इज नॉट ब्रॉट इन टू द प्रैक्टिकल यूज. इट विल ऑल्सो थ्राइव लाइक एनी अदर स्क्रिप्ट. This is our identity, our pride of Kashmiri Pandits, and why not work on this? So this was the dream of Core Sharda team members when we started the journey back in 2013, and the mission was to bring this divine Sharda Lipi into the mainstream. And I would say ki today we are saying proudly that we have achieved more than we could have thought of before we began this journey. सो हमने जैसे हमने शुरुआत की थी पढ़ाने की, तो हम व्हाट्सएप के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे. तो उस टाइम व्हाट्सएप पे हमारे पास कुछ
20 या 30 बच्चे एक बैच में हुआ करते थे, एंड ऐसे करके 2013-14 से जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो 20-30 बच्चों का एक ग्रुप हुआ करता था जो हम सिर्फ व्हाट्सएप पे पढ़ाते थे। उसके बाद अभी तक आज तक हमने मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को हम शारदा लिपि, वी हैव इंट्रोड्यूस शारदा लिपि टू देम, विच इंक्लूड्स 300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत स्कॉलर्स ऑल्सो। तो जो हमारे साथ जुड़ते चले गए उसमें से कई संस्कृत स्कॉलर्स भी थे जो आज हमारे साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो माता ललेश्वरी का डॉक्यूमेंट रहा है, उस पे काम करने के लिए हमारे साथ यही संस्कृत स्कॉलर्स ने हमें काफ़ी काफ़ी मदद की है और अभी भी कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अभी भी टीम जिसपे काम कर रही है, और मेजरली जो काम किया है वो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स पे किया है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ कश्मीरी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमें मिले हैं, उसमें से आजकल एक बहुत वेरी एंशियंट कृष्णा स्तुति पे हम लोग काम कर रहे हैं जो कि कश्मीरी भाषा में मिली है शारदा लिपि में। तो नाउ 500 स्टूडेंट्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द कोर शारदा टीम, जिन्होंने उसमें से कुछ टीचर्स, कुछ हमारे साथ मतलब टीचर्स के रूप में जुड़े हैं जो हमारे साथ आगे और इस लिपि को आगे ले जा रहे हैं, अपने स्तर पे आगे पढ़ा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पहले हम सिर्फ व्हाट्सएप क्लासेस पे मतलब के द्वारा ही वो क्लासेस लेते थे, आज हमारे पास यूट्यूब वीडियोस के द्वारा हमारा पूरा ट्रेनिंग मटेरियल जो है शारदा लिपि को सिखाने का वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स है जो कि सब ये सोशल मीडिया चैनल्स या हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स दैट कोर शारदा टीम अचीव्ड वाज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑनलाइन शारदा कीबोर्ड। तो जैसा कि पहले 2020 से पहले 2019 तक हमने जो भी काम किया है शारदा लिपि पे, इट यूज टू बी हैंड रिटन, हम लोग सब हाथ से काम करते थे। इनफैक्ट वी आई टॉक अबाउट दैट, हमारे पास एक हमारी खुद की एक मैगजीन है, मंथली न्यूज़लेटर मातृका, तो वो मातृका 2020 से पहले हम लोग हैंड रिटन मातृका मतलब प्रिंट करते थे, एंड 2020 में वी डेवलप दिस शारदा कीबोर्ड जिससे कि अब हम मतलब कीबोर्ड पे सारा काम, वो जो मातृका या कोई भी काम है वो कीबोर्ड के द्वारा ही कर रहे हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट की शारदा लिपि को डिजिटाइज करने का वन ऑफ द स्टेप एंड विच वी अचीव्ड इन 2020। उसके बाद कश्मीरी वोवेल्स, इफ कैसा है, जैसे हम देवनागरी भाषा में अ से आह तक वोवेल्स हैं, करेक्ट, आ ई ई उ ऊ, लेकिन जब हम कश्मीरी भाषा की बात करते हैं तो उसमें अ आ ई ई उ इनके अलावा 7 ऐसे और वोवेल्स हैं और ऐसे स्वर हैं जिनके बिना कश्मीरी भाषा नहीं बोली या लिखी जा सकती है। तो ऐसे कुछ साउंड्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट है, वो आप हम देवनागरी लिपि में वो नहीं मतलब उनका यूज नहीं है। तो उसको हालांकि देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में उन वोवेल्स के ऊपर काफी काम किया गया था, बहुत सालों से काम हो रहा था, एंड हमारे पास वो एक्स्ट्रा वोवेल्स थे जो देवनागरी लिपि में यूज होते थे, बट जब हम शारदा लिपि में काम करने लगे कश्मीरी भाषा के ऊपर तो हमारे पास वो वोवेल्स का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। देवनागरी में देर आर वेरिएशंस ऑफ दीज वोवेल्स, मतलब कोई एक ऑथर है जो इस तरह से लिखता है, कोई एक स्कॉलर है जो उन वोवेल्स को इस तरह से लिखता है। सो हमारा द चैलेंज वाज कि इनको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए शारदा लिपि में, कि जैसे देवनागरी लिपि में 4 वर्जन्स हैं एक वोवेल को लिखने के लिए, दैट वी डिडंट वॉन्ट फॉर शारदा लिपि, वी वॉन्टेड कि इस वोवेल को, इस स्वर को एक ही रूप में, जैसे हम अ को अ की तरह ही लिखते हैं देवनागरी में, वैसे ही हम चाहते थे कि ये जो एक्स्ट्रा वोवेल्स हैं कश्मीरी भाषा के, ये भी एक ही तरीके में, एक ही वे से लिखे जाएं शारदा लिपि में भी। एंड दैट इज व्हेन वी डेवलप दिस कश्मीरी वोवेल्स। इसके ये भी हमारे जो हमारा कीबोर्ड है शारदा कीबोर्ड का, उसमें अवेलेबल है, दीज ऑल आर अवेलेबल, द साइंस, द एक्स्ट्रा वोवेल्स ऑफ कश्मीरी भाषा आर अवेलेबल ऑन दिस शारदा कीबोर्ड, जिसमें कि अभी आप शारदा तो लिख ही सकते हैं उस कीबोर्ड पे, और कश्मीरी भाषा भी इफ यू वॉन्ट टू टाइप
in Sharda Lipi, you can do it through the keyboard, the Satyasar keyboard. The name is Satyasar keyboard, jo ki Google Play Store pe available hai, and iska web application bhi hai. तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे क्वार्टरली जर्नल जो हमारा है, अभी हालांकि हम इसको बाई मंथली जर्नल कर दिया है हाल ही में. तो ये मात्रिका जो है, ये जो मैं जैसे बता रही थी कि ये पहले सिर्फ हैंड रिटन हुआ करता था, और आप अभी बिकॉज ऑफ द शारदा कीबोर्ड इसे ये टाइप्ड वर्जन अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दिस इज अवेलेबल. तो ये पूरा जो मात्रिका है, पूरा मैगजीन पूरा शारदा भाषा में है. हालांकि हमारे पास अभी भी रीडर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो पूर्णतः शारदा लिपि नहीं जानते, तो उनके लिए हमने क्या किया है कि शारदा के साथ एक ट्रांसलिटरेटेड देवनागरी वर्जन भी हम रख रहे हैं. बट हमारा प्रयास आगे जाके ये रहेगा कि जो हम देवनागरी का वर्जन साथ में रखते हैं, ट्रांसलिटरेशन रख रहे हैं, वो हटा दें. क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी पढ़ने लगे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जितने थे वो बढ़ रहे हैं. तो आई एम श्योर अगर बढ़ रहे हैं तो शारदा लिपि सीख रहे हैं, और धीरे धीरे ये कम्प्लीटली शारदा लिपि में ही केवल लिखा जाएगा, और कोई अंग्रेजी या हिंद मतलब देवनागरी ट्रांसलिटरेशन की जरूरत इसमें आगे नहीं पड़ेगी. हम इसके अलावा हमारी खुद की कुछ बुक्स हैं जो शारदा प्राइमर्स हैं जो हमने डेवलप किए. जब हमने शारदा लिपि बेसिकली सीखना शुरू किया 8 साल पहले या 7 साल पहले, जब भी हमने शुरू किया तो हमारे पास कोई टीचिंग मटेरियल नहीं था. तो जो भी ऑनलाइन हम कुछ ग्रैब कर पाए या हमारे गुरुज जो हमको सिखाते थे उनके पास जो नॉलेज था उसके उसी के थ्रू उसी के मतलब यूज करके वही यूज करके हमने शारदा लिपि को सीखा. बट आज हम हमारी टीम हमारे सब मेंटर्स गुरुज ने जो बैठ के जो पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया, मतलब जो भी हम सीखे हैं उसको सब कुछ एक प्राइमर्स के प्राइमर्स के रूप में हम अभी अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि अगर आप शारदा सीख रहे हो तो ये हमारे प्राइमर्स हैं, आप इनसे पढ़ें, विच इज़ मोर ईजियर. जब हम सीख रहे थे तो हमारे पास कोई रेफरेंस के लिए कोई किताब नहीं थी, हम सीख रहे थे जो गुरुज हमको सिखा रहे थे या टीचर्स सिखा रहे थे. एंड बट कोई क्वेश्चन अगर है, कुछ है जो हमारे पास रेफरेंस को, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू रेफर बैक टू एनीथिंग. लेकिन अब हमारे स्टूडेंट्स को हमने ये शारदा प्राइमर्स जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये प्रोवाइड करवाया है. वॉल्यूम 1 बेसिक शारदा अक्षर ज्ञान है, और वॉल्यूम 2 इज ऑल अबाउट कंजंक्ट्स, वाक्य कैसे मतलब वर्ड कैसे फॉर्म किए जाते हैं, शब्द कैसे, शब्दों की रचना कैसे होती है, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेशल रूल्स हैं शारदा लिपि को लिखने के लिए वो वॉल्यूम 2 में है. इसके अलावा भी कुछ और पुस्तकें हैं जो कि हाल ही में वी हैव रिलीज्ड, आई विल टॉक अबाउट दैट. और इसके साथ ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने अफिलिएशंस की हैं. तो एंड जो कि पहले हम लोगों का एक ड्रीम हुआ करता था कि शारदा लिपि को लोग जाने, एंड आई एम रियली टुडे दिस इज लाइक लिविंग अ ड्रीम, मैं इसको कहूँगी इस तरह से कि आज शारदा लिपि मतलब सब लोग जान रहे हैं शारदा लिपि क्या है. मतलब लोग हमारी टीम से जानना चाहते हैं कि शारदा लिपि क्या है, आप हमें बताएं. एंड ये हाल ही में कश्मीर न्यूज़ पे भी हमें स्पेस मिला था कि आप शारदा न्यूज शारदा लिपि के बारे में बताएं कि क्या है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि शारदा लिपि पे इतना कुछ लोग जानेंगे, जानना चाहेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट शारदा लिपि. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स जो हम बहुत सालों पहले, दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम. तो हमारे कोलैबोरेशंस, हम लोग शारदा लिपि कोर शारदा टीम एक इंडिविजुअल लेवल हम अपने लेवल पे भी सिखाते हैं. इसके साथ साथ हम लोगों ने व्योमा लैब्स जो कि बैंगलोर बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ हमने बहुत सारे कोर्स किए. जो संस्कृत स्कॉलर्स बेसिकली, वी वुड लाइक टू थैंक व्योमा लैब्स फॉर दैट, कि जो संस्कृत स्कॉलर्स हमें मिले हैं ये उन्हीं की वजह से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अब पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हमारे साथ काम कर रहे हैं. जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का काम कोर शारदा टीम कर रही है, इन्हीं संस्कृत स्कॉलर्स की हेल्प से कर रही है. एंड वी हैव आल्सो कंडक्टेड एन इंट्रोडक्टरी सेशन इन जेएनयू, बेसिक शारदा लिपि कोर्स का.
एंड उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच हैपेंड इन 2022 फेब्रुअरी, तो उसमें भी हमने एक इंट्रोडक्टरी बेसिकली 3 days वर्कशॉप था विच वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो 3 day वर्कशॉप शारदा लिपि के ऊपर हमने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया था. और इसके अलावा बहुत बैंगलोर का एक स्कूल है जिसके साथ हमने एक बैच स्टूडेंट्स का था जो केवल छोटे बच्चे, आई मीन देयर वर किड्स फ्रॉम 4 years ऑफ एज टिल 12 years ऑफ एज. द बैच वॉज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द स्पेशल किड्स स्पेशल बैच वी हैड. सो दैट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट किड्स बैच जिसको हमने शारदा लिपि से परिचित कराया, विच हैपेंड आई थिंक एक साल पहले 2021 में. ये स्पेशल बैच ऑफ किड्स का बैंगलोर स्कूल के साथ हमने ये कोर्स वहाँ पे सिखाया. और जम्मू यूनिवर्सिटी का जो शारदा डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए जो करिक्यूलम था, वेरी प्राउडली आई वुड से कि वो हमारी टीम ने ही उनको डेवलप करके दिया था. सो दिस इज सम ऑफ द वर्क दैट कोर शारदा टीम हैज डन ऑन शारदा लिपि. एंड ये जो ये मात्रिका मैगजीन आप देख रहे हैं, ये वही जो दैट द बाई मंथली मैगजीन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज दैट मैगजीन. सो दिस वन दैट यू आर शोइंग सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज ऑल हैंड रिटन. सो ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉपीज ऑफ मात्रिका विच वॉज रिलीज इन 2018. So this was one of the first copy जब हमारे पास keyboard नहीं हुआ करता था शारदा का. So we used to handwritten सारा जो काम होता था handwritten होता था, कलम या pens या you know इन सब से लिख के ये magazine हम लोग बनाते थे. But now it is fully digitized. This is the Satisar keyboard जैसा मैं आपको बता रही थी. इस पे शारदा लिपि, मतलब आप देवनागरी में टाइप करें तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो शारदा लिपि में मिलेगा. इसके अलावा आप कश्मीरी को देवनागरी में टाइप करें तो आपको आउटपुट देवनागरी में, सॉरी शारदा में मिलेगा. इसके अलावा इसमें कुछ यू नो द बेसिक शारदा लर्निंग का भी एक टूल है जहाँ पे आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लर्न, सो दैट लर्न इज यहाँ पे आप शारदा लिपि सीख भी सकते हैं इस कीबोर्ड के ऊपर. रीडिंग प्रैक्टिसेस भी हैं. सो इट्स अ वेरी फुल्ली फंक्शनल कीबोर्ड है. तो इफ यू विश यू कैन डाउनलोड इट एंड देखें आप, इसमें बहुत सारे लॉट ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल ऑन दिस शारदा कीबोर्ड. वी हैड ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, शारदा लिपि गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2020 में. अगर आपने देखा होगा, निर्मला सीतारमन जी ने इस कविता का उल्लेख किया था उस बजट में, और जो जो शारदा लिपि में उस वो कविता जो है यूनियन बजट में प्रिंट हुई थी. ऑल्सो इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स शारदा लिपि गॉट अ स्पेस. यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी, दिस इज शारदा लिपि एनसर्कल्ड. सो वी गॉट अ स्पेस, शारदा लिपि गॉट अ स्पेस. आई थिंक दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, शारदा लिपि गॉट अ स्पेस इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो कि पहले इसके पहले कभी हुआ नहीं था. तो अदर देन दैट, जब हम शारदा लिपि की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ कैलीग्राफिक आर्ट. हम लोग जब भी द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट लर्निंग द कोर्स, वी ऑलवेज टेल देम दैट इवन दो नाउ वी हैव अ फुली फंक्शनल कीबोर्ड, यू कैन टाइप शारदा ऑन योर सिस्टम्स ऑन योर फोन्स, बट we would always encourage you to write Sharda Lipi. और उसके लिए you can use the calligraphic kalam या calligraphic pens that are available online. So, but make sure that you write Sharda Lipi. इसको लिखने, मतलब बहुत सारे ऐसे students थे who used to tell us that when we write Sharda Lipi, it is a form of meditation for them. So, अगर आप ये अक्षरों की बनावट देखेंगे right hand side पे जो इसमें फॉर्म में बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि हाउ हाउ डिवाइन दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस स्क्रिप्ट इज. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इज नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट, इट इज द आर्ट ऑफ डिवोशन, द फॉर्म ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स माँ सरस्वती आई वुड से. तो
देयर इज वन एनेक्डोट जहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट थे जो कुछ सालों पहले हमारे से शारदा लिपि सीख रहे थे. एंड आई थिंक इट वॉज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स जहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति थी और कहीं पे मार्केट्स में कोई पेन्स अवेलेबल नहीं थे. तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, ही बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ही कुडंट प्रोक्योर एनी पेन्स या कैलीग्राफी पेन या कलम पेन्स नहीं कहीं से लेके आ पा रहे थे. सो वॉट ही डिड वॉज ही हिमसेल्फ यू नो cut the branch of the tree, made a kalam and used the some fruit he crushed the fruit and uska jo pulp jo juice usme se nikla, he used that as an ink and he wrote the letters, he wrote Sharda Lipi with that. And unhone hame uska pura jab photo pictures hame bheji to we were like really it was kind of an emotional moment for us ki kitne people are so devoted towards this lipi jo ki hum कुछ सालों पहले हम जानते ही नहीं थे कि लोग इतना इतना इंटरेस्ट दे विल शो टुवर्ड्स द लिपि, बट ऐसा हुआ. एंड ये वन ऑफ द एग्जांपल्स दिस आई वांटेड टू शेयर कि कैसे. तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे ये श्री गणेश की प्रतिमा, ये श्री गणेश का चित्र शारदा लिपि की अक्षरों से लिखा गया है. ये बेसिकली उनके डिफरेंट नेम्स ऑफ श्री गणेश हैं, विघ्नहर्ता, वक्रतुंड एंड ऑल दैट, ये सब नेम्स हैं उनके, उन नामों से उनका ये चित्र बनाया गया. ही इज वन ऑफ आर जिन्होंने ये बनाया है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं दोनों, ही इज वन ऑफ आर ग्रुप मेंबर्स, टीम मेंबर्स एंड इज बेसिकली द ग्राफिक डिजाइनर. तो ये सब उन्हीं का वर्क है. दिस इज सम ऑफ द ग्रीटिंग्स सेंट बाय आवर स्टूडेंट्स जो कि हमसे सीख के गए थे. And before we had this Sharda keyboard, jab sab handwritten kaam hua karta tha, toh this is the kind of greetings they used to send on every occasion, written in Sharda Lipi. Sab Sharda Lipi mein handwritten greetings hain. Ye left mein jo hai, that is the Shiv Sutra. And jo right mein hai, one of the very first transliteration from Devanagari to Sharda Lipi of Srimad Bhagavad Gita. So ye hamare team ke bahut one of the senior members hain jinhone is pe kaam kiya tha. Ye pehla version tha Sharda Lipi ka, matlab Srimad Bhagavad Gita first transliteration into Sharda Lipi. This was done in 2014. And this is some of the work जो मैंने अभी बताया कि एक special kids batch जो Bangalore के school के साथ हमने किया था, उसमें से ये बहुत छोटे बच्चों का काम है, like from 4 to 10 years of age, ये उनके द्वारा लिखा गया सब काम है. So आप देख सकते हैं कितना, how much devotion even these kids have. If you see on the right, the extreme right side पे जो आप picture देख रहे हैं, ये calligraphy pen से लिखी गई है. So he must not be more than 6 or 7 years of age. जो last में जो paper आप देख रहे हैं, calligraphy pen से लिखा गया है सब. In fact, कभी we have seen some students who are like more like elders also who can't write so beautifully as this kid has written just 7 or 8 years of age. This is some of the sample manuscripts जो कि हमारी टीम ने जिसपे काम किया है, उसमें से कुछ samples हैं. आप you can see, मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से शारदा लिपि लिखी जाती है. You get an idea कि कैसे अक्षर जो है, कैसे उनकी बनावट, everything. You can see the there are a lot of rules that we follow while writing शारदा लिपि, जैसे कि देवनागरी में, जो कि they are different from देवनागरी. You can see इसमें कुछ samples में. And ye, this is one of the samples of our work. Jaisa ki maine bataya ki kuch manuscripts pe hum log, bahut kahi manuscripts pe humne kaam kiya. This is one of the document, Lalwak, jo Mata Laleshwari ke documents hain, jo ki Sharda Lipi mein hume mile. Hum log pehle jin pe kaam kar rahe the, but this was one of the most authentic document jo hume mila. And this is the work, the kind of work, how we do it. ये उसका एक सैम्पल है.
ऐसे कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हमने माता रूपा भवानी जो कश्मीर की एक बहुत प्रसिद्ध सेंट रही हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पे भी काम किया है। बहुत बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर शैव दर्शन से भी जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं जो अभी कोर शारदा टीम उस पर कर रही है, ट्रांसलिटरेशन पे दे आर वर्किंग। एंड दिस शारदा कोर शारदा टीम वॉज रिकग्नाइज्ड एज रजिस्टर्ड एज द एनजीओ बहुत हाल ही में 2020 में। इसके पहले वी वर जस्ट अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हु यूज्ड टू वर्क ऑन शारदा लिपि, टीचिंग शारदा लिपि। बट 2020 में वी फेल्ट दैट देयर इज अ नीड टू रजिस्टर दिस एन एनजीओ इफ यू वांट टू मेक इट मोर पीपल मोर अवेयर ऑफ दिस। जैसे कि अभी हम J&K गवर्नमेंट से भी वी आर इन टॉकिंग टर्म्स दैट दे इंट्रोड्यूस शारदा लिपि एज वन ऑफ द लिपिस इन द स्कूल्स, मतलब प्राइमरी स्कूल्स में एटलीस्ट ये भाषा सिखाई जाए, ये लिपि सिखाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अदर देन दैट वी, जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीरी वॉवल्स पे हमने बहुत काम किया है, उसका आई डोंट हैव द पिक्चर ऑफ दैट बुक राइट नाउ, बट वो जो बुक है वी हैव डेवलप्ड अ बुक ऑल्सो ऑन द शारदा लिपि, हाउ टू राइट कश्मीरी भाषा इन शारदा लिपि। तो उसके लिए एक हमने प्राइमर डिज़ाइन किया है जो प्राइमर आपको सिर्फ कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखने का ज्ञान देता है, जो कि हमारे कीबोर्ड पे डेफिनेटली इट वाज देयर, बट उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे पूरा वर्णमाला को कैसे कश्मीरी भाषा में हम लोग ट्रांसलेटरेट करें, तो उसके ऊपर एक बुक रिसेंटली हमने लॉन्च की है जिसमें जो रिलीज उसका रिलीज वाज अ वेरी बिग इट वाज अ वेरी बिग न्यूज। इनफैक्ट जो श्री अनुपम खेर जी हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है उस बुक को, उन्होंने खुद इस बुक के लिए फॉरवर्ड दिया है दैट ही फाउंड दिस बुक टू बी कि एवरी हाउस होल्ड एटलीस्ट टू स्टार्ट विद हर एक कश्मीरी घर में वो बुक हो ताकि वो शारदा लिपि को सीखे, पहले अपनी भाषा को देन शारदा लिपि यूज करे, बाकी प्रैक्टिकल यूजेस में भी वो शारदा लिपि को ला सके। सो दिस इज सम ऑफ द वर्क दैट द टीम हैज डन एंड आगे भी कर रहे हैं, वी आर स्टिल ट्राइंग कि और भी आगे इस पे काम हो। थोड़ा सा इसके अक्षर कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, थोड़ा सा इसके भी अगर जानकारी देने, और इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा 2 मिनट उसके ऊपर दें, फिर देन वी विल हैव एन ओपन हाउस डिस्कशन। श्योर। सो क्या बेसिकली जो देवनागरी की वर्णमाला है द शारदा लिपि की भी वर्णमाला बिल्कुल उसी तरह से सेम है, आई जो स्वर है वो सेम स्वर है, फिर कख ग जो व्यंजन है वो भी सेम, वर्णमाला डजंट डिफर बेसिकली। संस्कृत ग्रामर जो है सेम ग्रामर अप्लाइज टू शारदा लिपि ऑल्सो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है देवनागरी में या संस्कृत ग्रामर और शारदा लिपि के लिखावट में। हाँ, लिखावट में खाली चेंजेस हैं, जैसे कि हम शारदा लिपि देवनागरी में जब हम अर्ध अक्षर लिखते हैं या कंजंक्ट्स लिखते हैं जिसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, तो हम लोग वो आधा अक्षर भी यूज करते हैं, लेकिन शारदा लिपि में आधा अक्षर यूज करने का ऐसा कोई देयर इज नो वे ऑफ राइटिंग हाफ लेटर इन शारदा लिपि। सो इनफैक्ट क्या होता है, अगर आप ये मंत्र भी जैसे आप ये साइड पे आपने स्क्रीन शेयर किया, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जो अर्ध अक्षर होता है वो पूर्ण रूप से लिखा जाता है और उसके आगे जो द फॉलोइंग लेटर होता है वो उसके नीचे आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि लिखावट में डेफिनेटली डिफरेंस है, बट ग्रामर में वर्णमाला में पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो प्रोनंसिएशन है वर्ड्स की वो भी लेटर्स की वो भी सेम रहती है। चलिए ठीक है, आपने हमें जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया है और जितनी कमिटमेंट आप लोगों की अपने विषय के लिए रही है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है, और जितना काम आपने अग्रसर कर दिया है निश्चित रूप से हम लोगों को उसके साथ जुड़ करके बड़ी प्रसन्नता होगी। अच्छा लगेगा कि अगर हम भी आप लोगों के साथ कुछ सहयोग कर पाए। इससे पहले कि मैं प्रश्नों और टिप्पणियां आमंत्रित करूं,
एक दो बातें और साझी कर लेता हूँ, एक एकेडमिक और दूसरी जो है वो प्रोफेशनल चीजें। एकेडमिकली तो ये मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी बीच में शायद बात कर रहे थे कि 7 ध्वनिया वर्ण कुछ ऐसे हैं जो देवनागरी में नहीं आती, तो क्या ये वो हैं जिनको हम 64 मात्रिकाएं कहते हैं और प्राकृत में 64 वर्ण है, ये संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते, जो वो जो मिसिंग वॉवल्स हैं, क्या ये वो उनके साथ इनका कोई संबंध हो सकता है कि नहीं? एक तो ये, और जैसे जैसे मेरा अब ध्यान इसके ऊपर थोड़ा केंद्रित हो रहा है इस लिपि के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तिब्बतन के साथ भी बहुत क्लोजली इनके स्ट्रक्चर जो हैं, आकृतियां हैं, वो बड़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो क्या उसके साथ भी है? एंड सेकेंडली, जो नॉन एकेडमिक बट प्रोफेशनल बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि आप लोग टाई अप अगर करते हैं इधर पंजाब हरियाणा के कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के साथ, मुझे लगता है कि वो उसमें काफी अच्छा काम हो सकता है। कई कॉलेजेस हैं, मेरे कई साथी हैं जो आप लोगों की टीम के साथ जुड़ना भी चाहेंगे ऑफिशियल लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे। उसके अलावा क्योंकि आपने JNU में प्रेजेंटेशन दी है, तो आप लोगों के लिए अब ये मौका है कि प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, जो इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, आजकल वो डायरेक्टर हैं इसके कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कमीशन के, तो यू कैन टॉक टू हिम आल्सो, तो वो आप लोगों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का जो है वो दे सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, और उसके लिए वो डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी लिंग्विस्टिक्स के और कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट हैं, तो यू कैन टॉक टू हिम आल्सो। सेकेंडली, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग शारदा टीम के साथ जुड़ें, उनके साथ टाई अप करें, आप लोगों के लिए प्रोफेशनली फायदा तो है ही है, और लेकिन साथ ही साथ एक गर्व की भावना भी हम लोगों में होगी कि हम किसी एक ऐसे विषय को जानते हैं, उसके साथ जुड़े हैं, जिसका अस्तित्व अब जो है वो बिल्कुल लोप के कागार पे है, लेकिन उसे पुनः दोबारा से उसका उद्धार हो रहा है, रिवाइव कर रहे हैं। और इसके साथ ही जुड़ी हुई एक बात और, कि कुछ लोग और ऐसे हैं, मैं नाम सजेस्ट बाद में करूंगा आप लोगों को, कि अगर आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, बेंगलोर में ही बल्कि एक व्यक्ति हैं हमारे, कंप्यूटर्स के हैं लेकिन लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी कंपनी भी अभी खोली है, तो अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहें, तो कुछ लोगों के नाम मैं जरूर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनमें से अमेठी यूनिवर्सिटी भी है, और अभी ही बेंगलोर से मेरे संपर्क में कुछ एक लोग आए थे जो साइंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं और संस्कृत की अच्छी बैकग्राउंड है और बड़े ओपन माइंडेड हैं, उन लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जो मेरे मन में आपकी बात सुनते सुनते साथ में आ रही थी, लेकिन अब आप सभी लोग आमंत्रित हैं अपनी टिप्पणी करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, अगर कोई जिज्ञासाएं हैं तो इसमें प्रोफेसर अविनाश जी जी दोषी, he has raised his hand, so let us hear him first. हाँ, जाली दोषी बात कर रही हूँ मैं। मैम, आपने जो एक लिया था कि गांधार की लिपि है वही शारदा लिपि गांधार में, ऐसे आपने कुछ बोला था, लेकिन खरोष्ठी लिपि का नाम भी गांधारी लिपि ही है, तो इसमें क्या डिफरेंस है जरा बताइए, क्योंकि खरोष्ठी को भी गांधारी लिपि दूसरा नाम बोलते हैं उसको। सी, अभी जैसे अब जैसे मैंने कहा कि शारदा स्क्रिप्ट जो है वो मध्य स्क्रिप्ट गुरुमुखी की भी रही है, सो पहले पंजाब में भी शारदा स्क्रिप्ट में, शारदा लिपि में ही लिखा जाता था, लेकिन बाद में उसमें से जो डेवलप हुई गुरुमुखी, जो कि अब शारदा लिपि को रिप्लेस करके गुरुमुखी लिखी जाती है, विच इज द डॉटर स्क्रिप्ट ऑफ शारदा लिपि, सो उसी तरह से ये जो पूरा बेल्ट था अफगानिस्तान में भी, ये जो कुछ एरियाज थे वहां पे, ये जो लिपि का प्रचलन था जिसमें भाषा जो सारी थी वो इसी लिपि में लिखी जाती थी, सो मे बी विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि उन्हीं लिपि में से, मतलब शारदा लिपि में से ही कुछ बहुत सारी लिपियों का भी जन्म हुआ है, उसमें से काफी सारी उत्पन्न हुई, जैसे ताकरी और सिद्धम भी शारदा लिपि में से ही उत्पन्न हुई है। जी, आनंद, डॉक्टर आनंद गुरे जी, साइकेट्री उनका विषय है, पूना से है, और संस्कृत के लिए वो बहुत एक कमिटेड आदमी है, और आप लोगों को बहुत लाभ हो सकता है उनको अपने साथ जोड़ करके, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू
नमस्कार आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच। वेरोनिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ शारदा लिपि। आई विल स्टिक टू इंग्लिश विथ योर परमिशन। टू क्वेश्चंस हियर। वन इज, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ शारदा लिपि? लाइक फॉर एग्जाम्पल, देवनागरी लिपि इज रिटन एज इट इज स्पोकन, दैट इज द स्ट्रेंथ। एंड सेकंड स्ट्रेंथ वुड बी, मेनी ऑफ द अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली, सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ देवनागरी लिपि। सो इन दैट सेंस, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ शारदा लिपि? एंड सेकंडली, आई वुड लाइक टू नो वेदर फॉर श्री इज अ सेपरेट अल्फाबेट यूज्ड और अल्फाबेट्स आर कंबाइंड, लाइक इन तमिल एंड अदर स्क्रिप्ट्स, श्री इज रिटन सेपरेटली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। So, how is Shri written in Sharda Lipi? These are the two questions. Thank you very first, much. First, I would like to answer the last question that you said, Shri. So, Shri basically, similarly, it is not the part of the Varnamala. So, it is formed by using two different letters, two different akshar, which is Sha and Ra. So, this is not a the part of the Varnamala. Ye ek separate Shri is a separate akshar altogether, which we call as conjunct, the combination of more than one or two letters. So, this is the part of the conjunct, Shri. So, same goes for Ksha and Tra and all these. So, they are the conjuncts. And Shri is not the part of the Varnamala, as you have mentioned. So, same goes for Sharda Lipi also. The other thing that you said was how we speak and we write similarly in Devanagari. So here I would like to differ, because agar aap jaise, for example, let's take a word like ardh, a dha and uske upar ra ki matra, hum ardh bol rahe hain, jabki hamare bolne mein a ke baad ra ki dhwani aa rahi hai aur fir dha ki dhwani aa rahi hai, right? But yahi when you write in Devanagari lipi, you will write a first, then dha, and ra would come on the top of dha, right? But jab yahi hum शारदा लिपि में लिखते हैं, तो एज वी स्पीक वी राइट, सो अ र की ध्वनि पहले आई तो हम पहले र लिखेंगे, पूर्ण र, आधा नहीं, पूर्ण, जैसे मैंने कहा कि अर्ध अर्ध अक्षर जो है शारदा लिपि में नहीं लिखे जाते, तो हम र पूरा लिखेंगे, और जो ध है द फॉलोइंग अ र ध अर्ध, वो ध जो है र के नीचे लिखा जाएगा। तो इससे जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम शारदा लिपि में लिख रहे हैं, जो कि आप देवनागरी में अगर आप देखें देखा जाए तो अ ध और र सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सो विच इज एक्चुअली नॉट, मतलब शारदा लिपि में जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। कर्म जैसा शब्द है, या फिर कोई और शब्द आप ले लीजिए जिसमें र की साउंड पहले आती है, तो र पहले ही लिखा जाएगा और द फॉलोइंग लेटर वुड कम बिलो इट। तो ये कुछ रूल्स हैं जो शारदा लिपि के हैं, जैसा मैंने बताया कुछ स्पेशल रूल्स हैं इसको लिखने के लिए। अर्ध वर्ड आर्धे वर्ड्स हम नहीं लिखते हैं शारदा लिपि में, ठीक है। एंड आई थिंक आप और कोई क्वेश्चन जो मे बी आई मिस्ड आउट ऑन दैट? नहीं, इनका ये क्वेश्चन था जो बॉडी पार्ट्स का, जो बॉडी अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन में आप अगर वेरोनिका जी दिखाएंगे अपने अपनी प्रेजेंट, द हाउ डज द अल्फाबेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज द बॉडी पार्ट्स, इस पर ज्यादा स्रोत हुआ नहीं है, इस पर ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, मगर ये एक प्रयास था हमने इसको, एक्चुअली दिट वाज वन वेस्टर्न स्कॉलर जिन्होंने ब्राह्मी लिपि से इस देवी की मूर्ति ये करी थी। तो वेरोनिका जी, कैन यू प्रेजेंट दैट फर्स्ट पेज? हां, करिए प्लीज, स्क्रीन शेयर कीजिए। बिल्कुल, बड़ा वैसे जेन्युइन क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आनंद जी का ये वैसे, क्योंकि देवनागरी में हम सारा के सारा जो है उसका मातृका न्यास भी करते हैं। इंटरेस्टिंग, इस पर ज्यादा ये हाँ, ये राइट राइट में है, ये बेसिकली मालिनी, बेसिकली ये दिस इज हाउ हमने, इट इज ये टीम मेंबर ने ही इस पर काम किया है, मगर इट वाज ओरिजिनली इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो बेसिकली ये पिक्चर थी, बट इस पर ज्यादा मुझे नहीं लगता या हमारे पास इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे हुआ नहीं है। बट ये जो ब्राह्मी से उन्होंने इसको शारदा लिपि में पूरा जो ये है देवी का जो पिक्चर उन्होंने प्रेजेंट किया है, जी, और डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बट वेरोनिका जी ने अपने प्रेजेंटेशन में
शब्द का जो कि हाँ जो कि हमें सौंदर्य लहरी में जैसे मिला है, तो इसका एक वर्णन है जो इसके लिए काम आगे करना बाकी है। मुझे लगता है कि काम कला विलास में आपको जो बाकी सात धुनिया हैं, सात धुनियों के जो प्रतीक हैं, वो भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते से हैं। यहीं पे वो अर्थ चंद्र और इस तरह की हैं प्रतीक। चलिए ये एक रुचिकर बात उभर के आई है, हम उसको उसके साथ मिला करके भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। उनसे हमने आग्रह किया था कि वो इस बात में जुड़े, और वो उत्साही भी हैं नए नए विषयों को अपने विभाग में लाने में और उसको इंट्रोड्यूस करने में, और कई नए विषयों को उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है डॉक्टर साहब ने अपने विषय में। तो निश्चित रूप से मैं ये अपेक्षा भी करूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि अपने डिपार्टमेंट की ओर से इस कोर शारदा टीम के साथ एक एकेडमिक टाई अप जो है ऑफिशियली जरूर करें यूनिवर्सिटी की ओर से, ताकि उसको हम स्थापित कर सकें। और अगर कोई संभावना ऐसी होती हो जहां पर रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के स्क्रिप्ट की तुलनात्मक अध्ययन की कहीं वो शुरुआत कर सकें या किसी को PhD करा सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं उनको अभी आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए, कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य हमें प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शारदी देवी कश्मीर पुरवासिनी, त्वाम अहम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि मे। आज की संगोष्ठी जो ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़े हैं, बड़ा सुंदर विषय, और सभी को मैं सबसे पहले नवरात्रि पर्व चल रहा है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक और बड़ा सुंदर ये अवसर हुआ कि नवरात्रि के समय में प्रोफेसर आशुतोष जी ने ये उपक्रम किया कि शारदा लिपि पे, क्योंकि विद्या अध्ययन की और बात इन दिनों में हो और शारदा लिपि पे चर्चा हो, हमें इससे जुड़ने का अवसर उन्होंने दिया। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और जैसा मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पंजाब प्रदेश में मेरी कार्य क्षेत्र है, तो गुरमुखी लिपि सीखना हमारे लिए यहाँ विभागीय कार्यों के लिए भी आवश्यक है। और जब मैंने शारदा लिपि को देखा, तो जैसे अभी चर्चा भी हुई गुरमुखी सीधा उसके साथ संबंध रहा, शारदा लिपि से ही गुरमुखी का उद्भव हुआ है, तो मुझे पड़ी बहुत सारे शब्द मैं उनपे डाउट करता था पहले गुरमुखी में, कि ये इनकी फॉर्मेशन किस आधार पे, क्योंकि देवनागरी मुझे शारदा लिपि का उस समय उतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैंने देखा पढ़ा तो बहुत ध्वनिया, और जैसे मैडम अभी बात कर रही थी, शब्द आधा शब्द नहीं होता, पंजाबी में भी पूरा का पूरा उसी तरह से उसको लिया। बड़ी सुंदर चर्चा आज की रही, मैडम ने बहुत बहुत अच्छे से अपना व्याख्यान दिया। और जैसे अभी जो दो प्रश्न आए, वो दो प्रश्न भी इस संगोष्ठी की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। एक पूरा मनोविज्ञान से, शारीरिक विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न, और मैडम ने वो चित्र भी दिखाया, मैंने जब बोल रहे थे प्रारंभ में ये मैंने नोट किया कि आपने जो शारदा लिपि को माँ शारदा के रूप में अंकित करके दिखाया, बहुत सुंदर ये उपस्थापना रही। और क्योंकि क्या है कि जो शब्द हैं, जैसे हम अभी आशुतोष जी चर्चा भी कर रहे थे, आजकल हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें जो बीज मंत्र की कहीं ना कहीं हम जैसे एम के लिए, महाकाली के लिए प्रयोग करते हैं, हरीम लक्ष्मी के लिए, क्लीम सरस्वती के लिए, तो इस तरह ये जो बीज मंत्रों के और साथ साथ जो हमारी कर्मकांड की जो और वेदी निर्माण में और उसके साथ साथ अपनी जो कुछ आकृतियां वहां पे बनी रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं जैसे जो शारदा लिपि से बहुत सारी मुझे लगा कि उनमें इस तरह का वहां पे वर्णन हमें, जैसे हम अष्ट कमल या इस तरह की जो यज्ञ विधान में भी जो हमारी, क्योंकि कश्मीर की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और पूरा का पूरा
चाहे वो काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखे जितने भी आचार्य हुए, और वो कश्मीर से उनका सीधा संबंध रहा है, कश्मीर ज्ञान विज्ञान का साधन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शारदा लिपि को समझे बिना शायद हम इन ग्रंथों के साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पढ़ भी रहा था जब मैंने देखना शुरू किया, और जैसे जुड़े भी हैं कोल साहब, पूरी इनकी टीम जो भी यूट्यूब पे, और मैं मैटर कलेक्ट कर रहा था जब, तो आप लोगों का बड़ा सराहनीय प्रयास है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप ये कार्य कर रही हैं। और जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं, मैं संस्कृत विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की तरफ से आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, और जहाँ भी आपको जिस भी क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है, आशुतोष जी के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ के कार्य करने, कोई प्रोजेक्ट इस तरह का, या जैसे अभी तुलनात्मक दृष्टि से कोई पीएचडी या कोई इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट अगर हो तो हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। और देखिए, एक और जो मैं ये देख रहा था कि आपके प्रयास से आप एक छोटा सा कारवां आपने शुरू किया, 20 लोग जुड़े, और फिर आज 5000 तक वो लोग जो है आपके साथ काम कर रहे हैं। तो हम भी उसी टीम में आपके साथ जुड़कर काम करने को उत्सुक हैं। मैं ज्यादा तो नहीं इससे कोई अपना व्याख्यान देना चाहता, परंतु जो मैं पढ़ रहा था कि जैसे मैंने देखा है एक लेख, और गौरी शंकर ओझा लिपि विज्ञान की पुस्तक मैंने जब फरोलनी प्रारंभ की, तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आई कि लिपियों का किस तरह से विकास हुआ। और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि कई बार हमें ये संदेह हो जाता है कि इतने सारी लिपियों के ज्ञान को हम कैसे समाहित कर सकते हैं, और बड़ा सुंदर समाधान भी मिला कि जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि को अगर हम समझ ले तो मुझे लगता है कि भारतीय जितनी भी लिपि विज्ञान लिपियां विकसित हुई उनको हम समझ सकते हैं बड़ी सरलता से, और शारदा लिपि भी उसी का उपक्रम है। और मैं पंजाब प्रदेश में हूँ तो ये बात मेरे लिए और, क्योंकि मेरे पास पंजाबी के, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा रिलीजन के भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो वहां बड़ी इस तरह की शंकाएं कई बार उठती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से भी उन शंकाओं का समाधान शारदा लिपि का, क्योंकि पंजाब में भी कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता अब तक कोई आयोजन या इस तरह की कोई संगोष्ठी शारदा लिपि पे, हालांकि हमारे यहाँ भाषा भी जो अपने लैंग्वेज डिपार्टमेंट का सेंटर भी है मैसूर में, उनका मुख्यालय है पंजाबी विश्वविद्यालय में भी, उनकी तरफ से भी मुझे नहीं लगा 20 वर्ष मुझे हो गए यहाँ तो कोई इस तरह का कोई उपक्रम किया गया हो। तो पंजाबी को भी अगर सही रूप में समझना है तो मुझे लगता है शारदा लिपि के जाने बिना जो पंजाबी के विद्वान है वो भी उसमें नहीं अपनी पारंगत हो सकते। तो बड़ा सुंदर उपस्थापन रहा, और मैं पढ़ रहा था जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी महाभाष्य, और अभिनव गुप्त का तो क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर से शैव दर्शन से उनका संबंध रहा, तो उनकी रचनाओं का और तंत्र के जो शैव आगम की जो बात हुई है उनको समझने के लिए मुझे तो शारदा लिपि में बड़ी अभिरुचि हो रही है। मैं खुद भी मैंने लिखना उसको प्रारंभ किया, देखा तो आपका यूट्यूब पे ही जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से। तो ये संस्कृत के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और बड़ा रुचिकर विषय रहा। दो प्रश्न जो आए वो भी बड़े सुंदर प्रश्न थे। मैं ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए बस मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ जो है वो जहाँ भी आपको हमारी आवश्यकता होगी वो हम आपके साथ हैं। और आशुतोष जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि इस माध्यम से मुझे कुछ शारदा लिपि को पढ़ने का, समझने का, और पंजाब, क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उसकी परंपरा को समझना आपको बड़ा जरूरी होता है, और संस्कृत की तरफ यहाँ के लोग भी देखते हैं, और तो वो हमें कुछ दिशा निर्देश दें। पर अब शारदा लिपि के साथ जुड़ के और हम शायद यहाँ के क्षेत्र की भी जो समस्याएं भाषागत वो शायद हम उनका भी समाधान कर पाए आपके साथ जुड़कर। तो मैं बड़ा उत्साही हूँ और स्वागत करता हूँ, आप कभी हमारे विभाग में भी विजिट कर सकते हैं, आपका स्वागत है, और जो भी आपके कार्यक्रम होंगे हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, ऐसे ही उपकार आप करते रहते हैं और आगे भी ये आप इसी तरह से हमें उपकृत करते रहें, और छोटों को कैसे
जो है वो सम्मान और आदर देना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ये कोई सीखना चाहे तो आशुतोष जी से इसके लिए जो है उदाहरण है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आगे भी आपके कार्यक्रम से हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आभार। इतने आपने उत्साहवर्धक शब्दों में जो बात कही है उससे निश्चित ही मेरा उत्साह भी बनता है और विश्वास भी बनता है कि हम कुछ न कुछ तो कर ही पाएंगे। विशेष रूप से अपनी रिटायरमेंट से पहले कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन तो देख ही पाऊंगा। तो बिल्कुल सर, ये कह रहा था जैसे अभी आप क्या कर रहे थे कि हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट भी कोई कंबाइंड अगर हो सके तो हम बना सकते हैं कोई, अब तो इस तरह क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो है कार्यभार आ चुका है अब तो कोई इस तरह की डीम की और कोई ऐसी बाधाएं भी नहीं है। तो अगर आप जैसे अगर कोर शारदा टीम के, क्योंकि राकेश जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं और मैडम तो है ही हैं, तो मेरा जरूर रहेगा कि अगर शारदा लिपि के जितने भी अक्षर हैं अगर हम उनको गुरुमुखी के और बाकी लिपियों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकें तो हम एक पंजाब के नरेटिव को बदलने में कुछ समर्थ हो पाएंगे। उनको चुनौती तो ना भी दें हम, लेकिन उनकी हम खोल सकते हैं कि देखिए कि इस तरह से जो है वो इस सारे विषय को देखना चाहिए। और ये जो हम अलग अलग होने की बात करते हैं वो वस्तुतः है वहां से ही उभर कर आ रहे हैं, नहीं तो वो जिस तरह के नैरेटिव डिजाइन कर दिए गए हैं, डिस्कोर्स सेट कर दिया गया है, उसको चुनौती देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज आप लोगों ने उपकार किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर डॉक्टर सी के झा जी अभी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो ट्रेवलिंग में थे। हेलो जी जी, मैं सर बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा एक बिंदु उठाया है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, क्योंकि समाज के लोगों को जो सामान्य वर्ग है, या मैं कहता हूँ सामान्य वर्ग की तो बात क्या कहें, जो पढ़े लिखे हैं वो भी इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो अगर इस तरह का कोई ये कार्यक्रम यहाँ पंजाब में, तो मुझे लगता है ये लिपि तुलनात्मक उससे होना जरूरी है, जो जिस तरह की सामाजिक रूप से गतिविधियां अब चल रही हैं, तो उसको भी हमारा ये बड़ा एक वो होगा अगर लोगों को ये सत्य सामने आए। क्योंकि आपने देखा पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि बस और सब भाषाएं मिटा दो तो एक पंजाबी ही रहे, इस तरह का मतलब जो है वो, क्योंकि लोगों को समझने लगेगा भाई हमारा ओरिजिन क्या है, कोई पंजाबी ऐसे ही भाषा उतर के कहीं से नहीं आ गई, इसको समझने के लिए भी हमें पीछे जाना पड़ेगा वो जो है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस दृष्टि से भी। जी जी बिल्कुल, यही है। तो निश्चित रूप से आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से और फिर उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से उनसे हम निवेदन करेंगे कि कम से कम एक एक लेक्चर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे जरूर करवाएं और उन लोगों को एक्सपोजर दें कि ये वस्तुतः है क्या, जड़ें कहाँ पर हैं, रूट्स कहाँ हैं, और वो ताकि उनकी दृष्टि भी खुले। तो अगर डॉक्टर सी के झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, हालांकि वो ट्रैवलिंग में थे लेकिन काफी देर तक वो हमारे साथ जुड़े रहे। शायद नहीं है, चलिए उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह मैं ही कर देता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी कॉलेजेस जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जितने विभाग हमारे साथ जुड़े रहे हैं उन सब की ओर से मैं आज के मुख्य वक्ता सुश्री वेरोनिका पीर जी जो कि डायरेक्टर हैं कोर शारदा टीम की, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें झंझोड़ा, उन्होंने अपनी कमिटमेंट से हमारे भीतर एक स्पंदन उत्पन्न किया है जिससे कि हमें ये महसूस हुआ कि लोग कितने कमिटेड हैं अपने अपनी परंपरा के लिए, अपने ज्ञान के लिए और अपने प्रयासों के लिए। तो निश्चित रूप से आप हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक हैं, आपका वक्तव्य जो है वो हमारे लिए बहुत एक दिशा निर्देशक रहा है और हम निश्चित रूप से जो हमारे से संभव होगा उसको हम अग्रसर अवश्य करेंगे। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का कि उन्होंने जो उत्साहवर्धक बातें हमारे साथ की हैं वो निश्चित रूप से
हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उससे हमारा उत्साह वर्धन हुआ है और एक उम्मीद जगी है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस विषय को अग्रसर करेंगी और इस सारे विषय को वो अपने स्तर पर उठाएंगी भी और अपने कोर्सेज में कुछ न कुछ इसका अंश लागू करेंगी। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मैंने कि शुरू में भी कहा था कि मैं चाहूंगा कि कुछ अच्छे लोगों को और अच्छे लोगों को आप अपने साथ जोड़ें और मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा अमेठी यूनिवर्सिटी को, जोधपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को आपका संपर्क करवाऊंगा और आप उनके साथ जो है वो टाई अप भी करें, उनके साथ बातचीत करें और वहां पर आप लोग प्रेजेंटेशन दें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने जो संकल्प लिया है उसका विस्तार हो, उसका प्रभाव हो और हम लोग अपनी पहचान को किसी तरह से जीवित रखें, उसको सुप्रतिष्ठित करें, उसको सुस्थापित करें। तो ये इस सारे संकल्प के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, विशेष रूप से राकेश कौल जी का जिनके माध्यम से आप लोगों से संपर्क हुआ और जिनका ये सहयोग रहा है जिसकी वजह से आज का ये आयोजन हो पाया है, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े रहे, विशेष रूप से आनंद जी का और अविनाश जी का और जितने हमारे सभी साथी जुड़े रहे, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निश्चित रूप से हम जल्दी ही दोबारा फिर मिलेंगे और कोई ना कोई बात को हम अग्रसर करेंगे और सुखद भविष्य की कल्पना के साथ आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद मैम। सो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं, जय जगन्नाथ। हाँ, हमारे साथ बेंगलोर से डॉक्टर रामदेव जी जो कि वैदिक मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अभी दो हफ्ते पहले उनका ही विषय हम लोगों ने लिया हुआ था, तो आप इनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सिद्धहस्त हैं वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर और उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के लोग जुड़ते हैं आपस में। तो इनका नंबर भी आप लोग मेरे से, राकेश जी आप ले सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा कुछ एक लोगों के नंबर, आप उनसे संपर्क जरूर करें और मैं खुद अपने स्तर पे भी उन लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों से संपर्क करें भविष्य के लिए। थैंक यू, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म शेयर कर दिए जी। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।